हेलो फ्रेंड्स, मैं दोस्तों आज मैं बात करने जा रही हूँ ईयर कैंडल के बारे में। ईयर कैंडल कान से मैल निकालने की एक थेरेपी होती है, जिसके अंदर हमारे कान के आसपास मोमबत्ती लगाकर हमारे कान से मैल निकाला जाता है। लेकिन क्या ये सेफ है, क्या हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, चलिए आज बात करते हैं इसी के बारे में। दोस्तों, जब भी हमारे कान के अंदर बहुत ज्यादा मैल जम जाता है तो उसकी वजह से कान में दर्द होने लगता है और कान सही तरीके से सुनने में भी असक्षम हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप तेज सुनना चाहते हैं तो आपको सुनाई भी नहीं देता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप समय समय पर अपने कान के मैल को डॉक्टर से साफ करवाते रहें। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो घर में ही ऐसा काम कर सकते हैं, कई लोग ईयरबड की सहायता से तो कई लोग ड्रॉप्स डालकर अपने कान के मैल को साफ कर लेते हैं, जबकि हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमें कान के मामले में खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर आपको अपने कान का मैल निकलवा ही है तो आपको किसी ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। वैसे तो ईयर कैंडल की थेरेपी बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है जो ईयर कैंडल की थेरेपी को पूरे तरीके से ना जानता हो तो आपको अपने कानों के साथ चांस नहीं लेना चाहिए। ईयर कैंडल की थेरेपी करने के लिए आपको पूरे तरीके से सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। इसीलिए दोस्तों, अगर आप ईयर कैंडल की थेरेपी करवाने जा रहे हैं और अपने कानों का मैल निकलवाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि जो व्यक्ति आपके साथ ईयर कैंडल की थेरेपी करने वाला है, क्या उसे पूरे तरीके से ये सारी चीजें पता हैं? क्योंकि अगर नौसिखिया से आप ये सारी चीजें करवाएंगे तो ऐसा करने से आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको ईयर कैंडल की थेरेपी करवानी है तो उसे करवाने से पहले सारी चीजों को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर जरूर कर लीजिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।